तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ा प्रैंक जो कि मेरी टीम वाले को पता नहीं है। और ये प्रैंक मैं करने वाला हूँ मिस्टर रोशन भाई के साथ। तो उनको कॉल करके मंगा लेता हूँ यहाँ पर, और उसके साथ ऐसा प्रैंक करना है कि। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस गार्डन में, ठीक है, अभी तो ये सूख चुका है और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इंतज़ार, क्योंकि आज मुझे करना है प्रैंक, वो भी पहली बार, तो ये फर्स्ट बार मेरा प्रैंक होगा उसके साथ। तो ये प्रैंक मैं करने वाला हूँ मेरे टीममेट रोशन भाई के साथ, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका है और मुझे भी लग रहा था कि एक प्रैंक होना चाहिए, और इस प्रैंक से मुझे लगता है कि वो मेरे ख्याल से गुस्सा कर लेगा या तो फिर मेरे साथ कभी भी नहीं वो रहेगा, ठीक है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, या तो फिर मैं मना पाऊंगा या ना मना पाऊंगा ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आज तक मैंने कभी मेरी टीम के साथ कभी प्रैंक नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये प्रैंक मैं एकदम रियल वाला करूँगा, क्योंकि उसे पता भी ना चले और उसके साथ ये प्रैंक अच्छे से चल जाए बस। और मुझे लग रहा है कि ये लास्ट तक ना बताऊँ मैं कि मतलब इसके साथ प्रैंक हो रहा है या रियल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे ऐसा लगना चाहिए रियल। और अगर आप लोगों को मतलब कुछ लगे हार्ड टचिंग हो तो बता देना कि मैं मतलब उसे बता दूंगा कि ये प्रैंक है, ठीक है। तो दोस्तों मैं फाइनल उसको कॉल कर देता हूँ, ठीक है, उसे कॉल करके यहाँ पर मंगवा दूँ और उसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। और आप लोग कहीं जाना मत, इसकी वीडियो मत करना, क्योंकि मुझे लग रहा है वो बंदा रूठ ही जाएगा, ठीक है, कभी उसके साथ मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि उसे हमेशा मैंने मन दिया है, प्रेम दिया है, ठीक है। और आप लोग बचा देना मुझे भी और उसको भी, ठीक है, तो मैं उसे कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ कटा है घर पर तो यो कह तो जल्दी लोकेशन माते आ रो, काम है ते की काम है बस ते हूँ कोई पर्सनल बात करनी है, मन कर रहा है कि तेरे से बात करूँ। कहाँ पर आना है? जहाँ हम हमेशा खड़े रहते हैं ना, हाँ वहाँ पर आ जा। अर्जेंट है क्या? तू आ जा बस, मेरा काम है ये सोच ले बस। तो दोस्तों वो रोशन भाई आ रहे हैं और वो सोचेगा कि ये ट्राइपॉड यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ट्राइपॉड मैं उसे बोल दूंगा कि मैं रील्स बनाने आया हूँ, और कैमरा मैं बोल देता हूँ शरीफ को कि वो पीछे एक झाड़ी है ना वहाँ पर छुपा कर रखे, बस पता ना चलना पाए उसे कि कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। फाइनली रोशन भाई आ रहा है, वो देखो उस साइड से आ रहा है, और हमें बस यहाँ पर छुप के रहना चाहिए बस कैमरा मैन को, और कुछ नहीं, बस मोबाइल देखता देखता आ रहा है, कुछ भी हो जाए पता ना चलना चाहिए बस। काम लिया इसलिए आप? काम ये था कि वीडियो शूट करना था। वीडियो? हाँ सर, मेरे पास टाइम नहीं है। कब से टाइम नहीं है मुझे ये बता, मैं कल भी कॉल किया, ठीक है, परसों भी कॉल किया, आज मॉर्निंग में किया, हर बार ये तू कहता है कि मुझे टाइम नहीं है, तो मुझे ये बता दे कि बस टाइम नहीं है तो फिर और क्या कर सकते हैं। अरे मेरे एग्जाम चल रहे, मैंने आपको बताया था ना उस दिन। यार बाकी सब टीम वाले बोल रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वीडियोज बना रहे हैं, सब तैयार हो रहे हैं, ठीक है, कभी कभार वो बाहर चले जाते हैं अलग बात है, लेकिन हर बार तेरा यही है, तू ना क्यों बोल रहा है, मुझे बस उसी बात का रिप्लाई दे। एक मिनट यार, मेरे घर पर भी काम होता है, मुझे और भी काम होते हैं, एग्जाम भी चल रहा है, मिठाई भी करनी पड़ती है। काम मेरे भी होते हैं, मेरे भी काम होते हैं, बाकी उन टीम वालों के काम होते हैं, तेरा एक पर्सनल ऐसा क्या काम रहता है? काम है तुम्हें इसमें, अब तो ये सोचेगा कि भाई मेरे से लड़ाई कर रहा है, क्यों कर रहा है, कि ऐसा ऐसा वैसा सोचेगा, ठीक है। वीडियोज बनाने होंगे? अभी फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं, एक महीना क्या देता, आपकी मर्जी है। फिर कैसे चलेगा? तो फिर कैसे चलेगा, एग्जाम के बिना कैसे चलेगा? तुम पता है करनी जरूरी है, आपको पता नहीं? तुम पता है कितना मेहनत लगी यहाँ पर चैनल लाने में, कभी ऐसा सोचा कि यहाँ पर मतलब इतना बंद करेंगे? आज तुम ये बोल रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। मैंने जाने का कब का? ऐसा नहीं चलेगा, मैं पहले से भाई बता देता हूँ, अगर अच्छा, हमारे मतलब साथ आपके वीडियो के चक्कर में अपनी पढ़ाई भी छोड़। देख हमारे साथ रहना है तो कंटिन्यू वीडियोस बनाने होंगे, ठीक है, नहीं तो फिर ना बोल के चला जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा आपका कहने का मतलब क्या है? तो मैं यूट्यूब पर भी निर्भर हूँ और कोई मेरा काम नहीं है ना? अगर दूसरा काम होता तो हमें भी टाइम देना होगा, नहीं तो फिर यही सोच ले। पहले 4 साल से आप वीडियो बना रहे हो, ठीक है, 4 साल होने वाले, तो हमारा रिलेशन ये तक टाइम दे रहा हूँ ना आपको, दे रहे थे, लेकिन अभी एग्जाम आ रहे, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? देख इन लोगों को भी वीडियो चाहिए, ठीक है,
अच्छा, लोगों को चाहिए थी, मेरी वजह से नहीं बन रही है। बस तेरी वजह से नहीं बन रहे, और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो हमारा रिलेशनशिप यहीं तक, ठीक है, दोस्ती यहीं तक। और आगे तुम सोचेगा कि भाई मैं यहाँ तक ला के खड़ा किया इस चैनल को, और हमसे अभी मतलब जानबूझ के मतलब छोड़ा रहे हैं, ठीक है। तो वही तो दिख रहा है, ऐसा हमारे में कुछ नहीं, ठीक है। मतलब 4 साल हो गए, आपने कभी बोला नहीं, आज क्यों बोल रहे? 4 साल हो गए, मैं लगातार वीडियो में हूँ ना आपके साथ, तो इतना दिन आपने बोला नहीं। अब एक मिनट, अब आपको तकलीफ हो रही है इसलिए मुझे जानबूझ कर कह रहे हो, वो मुझे कुछ समझ में नहीं है, ठीक है। अगर तू सोच रहा है कि रेवेन्यू जितना भी बना है तो उसका भले 50% लेके यहीं से अभी से रवाना हो जाए, ठीक है। वो तो लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने मेहनत की है। हाँ, भले मेहनत की है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए आज के बाद, ठीक है, बिल्कुल भी मुझे भी नहीं चाहिए आपका साथ, ठीक है ना। क्यों, मैं रोज रोज परेशान हो चुका हूँ कि यार मैं वीडियो के लिए इतना दौड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ चैनल के बारे में। या तो फिर ऐसा करो, चैनल को डिलीट कर दो, या तो फिर तुम चले जाओ बस, कर दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अबे यार, ये कौन सी बात हुई है, तेरे कैसी फर्क पड़ता है, क्योंकि तू आज के बाद वीडियो भी नहीं आ रहा है, तो तेरे लिए भले चैनल डिलीट हो, कोई दिक्कत हो। मुझे ये बात बताओ, 4 साल हो गए आप वीडियो बना रहे हो, मैं आपके साथ हूँ ना, ठीक है, इतने दिन मैंने आप कभी टाइम दिया, हर बार टाइम देता हूँ, तो क्या अभी मेरे एग्जाम चल रहे, आपको भी समझना चाहिए ना मुझे। मैंने समझा, काफी देर तक, काफी देर तक ये समझा, अगर रहना कंटिन्यू रहे, नहीं तो फिर अभी से तू तेरा सोच के निकल जाए यहाँ से हमारे साथ, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। अब मैंने ऐसा कब का, मैं यूट्यूब छोड़ना चाहता हूँ, तो यार पढ़ाई है, टाइम तो देना पड़ेगा उसे भी। देखो, इतने साल तक मैंने कभी नहीं कहा कि तू पढ़ाई कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, ठीक है, जैसे तैसे जैसे भी हुआ वैसे भी निभाया, ठीक है। आज के बाद अगर कंटिन्यू हो रहा है तो बता। कंटिन्यू मैं नहीं कर सकता, मेरे अभी एग्जाम सर पर है, सीधी बात है। तो हमें भी नहीं चाहिए, देख। हाँ, तो मुझे भी नहीं चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी, हम भी जी लेंगे तेरे बिना और क्या है। अरे यार, मैं भी जी लूंगा आपके बिना, मैं कौन सा आप पर निर्भर हूँ। हाँ, बट ये है कि 2-4 दिन याद आएगा, आपको याद आए भले ना आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, मेरे साथ बाकी टीम वाले है, और मैं एक बंदा और मंगवा दूंगा, कोई टेंशन। अरे मंगा दो, किसने मना किया, मैंने मना किया। अब अपना यहीं तक था, ठीक है, आज के बाद अपने रास्ते अलग, तू तेरे रास्ते, हम हमारे रास्ते, ठीक है। तू जा सकता है यहाँ से, चल भाग यहाँ से, आज के बाद हमारी टीम के साथ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब मुझे भी कोई जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है, चल भाग, पहले जा रहा हूँ, जा। फालतू में पंचायती कर रहा है। ओए सुन सुन, इधर आ, पहले इधर आ, एक बात पूरी सुन ले, ठीक है। क्या? एक बात सुन ले, उसके बाद चले जाना, ठीक है। हमें भी कोई ऐसा शौक नहीं है साथ में रखने का, मुझे भी कोई शौक नहीं है, ठीक है ना, बोल देता हूँ। आज तो जा सकता है, ठीक है, आज के बाद हमें कभी याद मत करना, ठीक है। अरे कौन कर रहा है, ऐसा भी आपको याद कर, कौन ऐसा सोशल मीडिया पर भी मत बताना है कि हमारे साथ मतलब टीम वालों ने ये किया वो किया। वो तो एक, वो तो मेरी मर्जी, बताओ नहीं बताओ, मुझे बताओ। 4 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, उनको भी पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए वो जल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। वो जल नहीं रहे, वो जल रहे हैं, वो एक बंदे को मतलब नहीं आ रहा है ना, उस वजह से वो बाकी वाले भी, उनका भी यही हाल हो रहा है। मेरे सामने पहले आंगुली मत कर, नीचे रखा अपने औकात में, ठीक है। सुन, तेरे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ सब लोग है, ठीक है। अरे टीम को गांड में डाल दे, ऐसे गालियां देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो तू ये लड़ाई कर रहा है, तू लड़ाई कर रहा है ना, तुम्हें पता नहीं है आज तू अकेला है, यहाँ से चला जाए बस। ये अरे अकेला क्या, ये कोई बात होती है, मुझे कुछ पता क्या बात होती है। तुम जा, तू यहाँ से जा, निकल दे साले, जा, आज के बाद हमें कोई वीडियो नहीं बनाने, ठीक है। हाँ जा, हमें कोई पीड़ नहीं है, चला जाए यहाँ से। और दोस्तों, वो यार चला गया, कसम से मुझे है ना, मेरा दिल धक धक कर रहा है कसम से, क्योंकि यार मैंने आज तक मेरी टीम को कभी इतना सब कुछ भी नहीं कहा, ठीक है यार। वो उसको इतना गुस्सा यार, मेरे पे हाथ उठा लिया, ठीक है, और मैंने भी हाथ उठा लिया यार, कभी मैंने है ना इतना सी आंगुली है ना उसके ऊपर ऐसे नहीं की है। मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि अगर उसने सच में रूट लिया तो सच में नहीं मानेगा, ठीक है। तो मुझे अब कैसे भी करके बाकी टीम वालों को बोल के उसे मनाना होगा, अगर नहीं माना तो देख लेना यार, ये प्रैंक मेरे पे भारी पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है, पूरा चैनल भी चला जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ये मान जाए, या फिर मैं उसे बुला लाऊं, हो पाएगा या पता नहीं, आप लोग कमेंट ज़रूर करना, या फिर इंस्टा पर, या तो फिर यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन भर देना, ठीक है, क्योंकि यार सच में लड़ाई